हाँ तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा कंपनी लॉ का सेकंड पार्ट है। कंपनी लॉ वन के अंदर हमने कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ का बेसिक मीनिंग क्या होता है, कंपनी लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी थी इंडिया के अंदर, क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी के, ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड होए गए, लॉस रिफंड ओनरशिप किसकी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, रूल बुक होती है, हमने ये सारी चीज़ें मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपनी के वो हमने देखे थे। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, लीगल एंटिटी होती है, हमने ये देख लिया हमारा कंपनी एक्ट बना। हमने एक क्वेश्चन इसका आंसर अभी नहीं दिया था इसके अंदर कि क्या कंपनी एक्ट से पहले और एक्ट नहीं थे। 2013 में ही गवर्नमेंट को पता लगा हमें कंपनी एक्ट बनाने, नहीं उससे पहले भी और एक्ट थे। तो हम इसमें हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ भी अभी पढ़ेंगे। हमने केस लॉज देखे रेलिवेंट, हमने मीनिंग देखा, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो हमने मेन चीज़ ये चीज़ देखी थी कल, ठीक है। फिर हमने केस लॉज डिस्कस करे थे, ये हमारे केस लॉज हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का हमारा एक और दो कैरेक्टरिस्टिक्स और है कंपनी के। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या थोड़ा सेपरेट टॉपिक बोल लो, पर कंपनी के रिलेटेड ही है, ठीक है। अब कंपनी के रिलेटेड दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों आपको दिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल और नेशनलिटी और रेसिडेंस ऑफ कंपनी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठा था, क्या कंपनी सिटीजन है, किसी भी नेशन की कंपनी सिटीजन हो सकती है? तो इसका जवाब था ना, कंपनी इज नॉट द सिटीजन। एमसीक्यू में सीधा ये क्वेश्चन आएगा, कंपनी क्या सिटीजन है? आंसर नहीं होगा, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। अब सिटीजन क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया की सिटीजनशिप को एक्ट रेगुलेट करने के लिए, सॉरी, इंडिया की सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955। और उसके अंदर उसके अंदर ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि कंपनी एक सिटीजन होती है, ठीक है। तो कंपनी सिटीजन नहीं होती। अब सिटीजनशिप आया तो एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में हमने सिटीजनशिप की बात करी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो वन या सेकेंड में देखा था, ठीक है। तो ये हो गया कंपनी इज नॉट द सिटीजन। नॉट क्यों सिटीजन नहीं, क्योंकि हमारे सिटीजनशिप एक्ट है उसमें मेंशन नहीं है। अभी किस केस के अंदर निकली थी बात, ये स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ, ये केस भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट है भी, कि भाई सिटीजनशिप है या नहीं है। इसका क्वेश्चन कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने इंटरप्रेट करके बोला सिटीजनशिप नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट में कहीं भी कंपनी मेंशन नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ, दो इट इज नॉट अ सिटीजन बट देन ऑल्सो देर आर सेवरल फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इक्वेलिटी दैट आर अवेलेबल टू कंपनी। अब इन्होंने क्या बोला कोर्ट ने, ये सिटीजन तो नहीं है, देखो ये तो पक्का है, पर फिर भी क्योंकि ये लीगल एंटिटी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने वीडियो वन में डिस्कस करा है, तो इसके पास भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स है। कंपनी के पास राइट टू इक्वालिटी, गवर्नमेंट इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती, राइट टू इक्वालिटी उसके पास है कंपनी के पास, तो ठीक है, ये हमारा सिटीजन का आंसर हो गया। अब कंपनी की नेशनैलिटी क्या होगी, देखो सिटीजन में और नेशनैलिटी में फर्क है। नेशनैलिटी मतलब कंपनी की नेशनैलिटी, कंपनी की डोमेसाइल, हमारी डोमेसाइल हम कहाँ रहते हैं वहाँ की होती है, महाराष्ट्र रहते तो महाराष्ट्र की होती है, दिल्ली रहते तो दिल्ली की होती है डोमेसाइल, ठीक है। तो कंपनी की नेशनैलिटी, हमारी नेशनैलिटी सबकी क्या है, इंडियन है, ठीक है। अब नेशनैलिटी क्या होगी, नेशनैलिटी होगी, हाँ भाई नेशनैलिटी तो जरूर होगी कंपनी की, पर क्या होगी, जिस जगह पर कंपनी रजिस्टर है, अगर इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसकी नेशनैलिटी इंडियन होगी। अगर इंडियन में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, देखो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड बात एक ही होती है, तो कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड डोमेसाइल ऑफ द प्लेस वेयर इट इज रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड, जिस जगह पर कंपनी रजिस्टर्ड होगी या जिस जगह पर कंपनी का ऑफिस होगा, जिस जगह पर कंपनी बनी होगी, उस वही जगह उसकी नेशनैलिटी कहलाएगी, वही जगह उसकी डोमेसाइल कहलाएगी। देखो केस लॉज रेफरेंस के लिए मॉड्यूल में बहुत सारे गिवन है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताए, जैसे अपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर सैलमन वर्सेज सैलमन और ली वर्सेज ली वाला इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया, इसके अंदर स्टेट ट्रेडिंग में जो सिटीजनशिप का क्वेश्चन उठा था उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये मैंने बताया, बाकी रेफरेंस के लिए केसेज है, अगर याद करना चाहो तो कर लो, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतने केस लॉज वो नहीं पूछेंगे सीएसईटी के लिए, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग है, समझना। देखो हमने लेक्चर वन में क्या बोला, हमने लेक्चर वन में ये बोला था कि कंपनी के अंदर
कंपनी के अंदर, उस कंपनी कंपनी सॉरी ब्लर हो गया था, कंपनी और डायरेक्टर्स ये दोनों अलग चीज है। डायरेक्टर्स बोले या फिर मेंबर्स बोले, ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। कंपनी अलग है, डायरेक्टर्स और मेंबर अलग है, ये अलग लीगल एंटिटी है। इसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इसके नाम पे बिजनेस होता है, कोई पर्सनल यूज के लिए नहीं होता। और मेंबर्स कभी भी कंपनी की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ये हमने सारी चीजें पढ़ी थी। अब देखो, जो इनके बीच में एक बैरियर होता है, ये जो बैरियर है, ये जो इनको डिफ्रेंशिएट करता है, इस बैरियर को कर्टेन, पर्दा होता है ना, पर्दे के कर्टेन, या फिर कॉरपोरेट वेल, क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट वेल। ये जो बैरियर है जो इन कंपनी को और डायरेक्टर को सेपरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं पर्दा, कर्टेन, बैरियर या कॉरपोरेट वेल, ठीक है। पर्दा है इन दोनों के बीच में। और अब सुनना मेरी बात, ये कंपनी को रन कौन करता है, डायरेक्टर्स रन करते हैं। तो कंपनी, अब जैसे प्रॉफिट लॉस हमने पढ़ा, प्रॉफिट होगा तो सबको मिलेगा, लॉस होगा तो अगर जेन्युइन लॉस है तो डायरेक्टर्स भी लायबल नहीं है, मेंबर्स भी लायबल नहीं है। मेंबर्स की लायबिलिटी से उनके शेयर तक की है। अगर मेंबर्स ने 10 रुपये का शेयर खरीदा तो उसको 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, बाकी उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स सब कुछ सेफ रहेगी। अगर डायरेक्टर्स ने फ्रॉड कराए तो फिर डायरेक्टर्स लायबल हो गए। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो वन में देखी है। अब सुनना, अगर ये पर्दे के पीछे डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो डायरेक्टर्स को नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कंपनी लॉस में जा रही है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वेलफेयर पॉलिसीज इफेक्ट हो रही है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पब्लिक को लॉस हो रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, कोर्ट बोलेगी इस पर्दे को हटा दो, इस पर्दे को लिफ्ट कर दो, इस पर्दे को लिफ्ट कर दो। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, और पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, छेद करना। इस पर्दे में छेद करो और देखो कि कौन सा डायरेक्टर लायबल है गलत काम कर लिए, ठीक है। एक और बार समझेंगे, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा, नहीं आए उसके बाद भी नहीं आए मेरे को मैसेज करना, व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे दे रखा है, इंस्टेंट रिप्लाई आएगा, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। देखो, कंपनी है, डायरेक्टर है, ये पर्दा है, कर्टेन है, पर्दा है, ठीक है। ये कंपनी है, डायरेक्टर है, और ये बैरियर है इनके बीच में। ये डायरेक्टर फ्रॉड कमिट कर रहा है इस पर्दे के पीछे कंपनी के नाम पर पर्दे के पीछे फ्रॉड कमिट कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट क्या बोलेगी, इस पर्दे को लिफ्ट कर दो, इस बैरियर को लिफ्ट कर दो, और लिफ्ट करके चेक करो कौन सा। देखो, ये तो है डायरेक्टर वन, ये है डायरेक्टर टू, ये है डायरेक्टर थ्री, कौन सा डायरेक्टर गलत काम कर रहा है उसको चेक करो, उसको फाइंड करो और उसको पुलिस में सजा दो। इस पर्दे को, पहले पर्दा था, ये लोग डायरेक्टर लोग कंपनी के पीछे छुपकर गलत काम कर रहे थे, कोर्ट ने ऑर्डर करा कुछ गड़बड़ी चल रही है, इस पर्दे को लिफ्ट कर दो, लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल कर दिया। और बोला, अब देखो उसको साफ कंपनी में साफ साफ दिख रहा है, ये डायरेक्टर वन है, डायरेक्टर टू है, डायरेक्टर थ्री है, ये डायरेक्टर थ्री फ्रॉड कर रहा था, इसको पकड़ो और इसको इन्वेस्टिगेट कराओ, या तो पर्दा उठा दो या फिर पर्दे में छेद कर दो। देखो, पर्दे में छेद कर दिया, ये पर्दे में छेद कर दिया, और छेद होके चेक करो, पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है ये, पियर्सिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल या लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। तो पर्दे के अंदर छेद करके या उस बैरियर को हटा के देखो कौन सा डायरेक्टर कंपनी के नाम पर, कंपनी के पीछे छुपकर फ्रॉडिलेंट एक्टिविटीज कर रहा था जिससे कंपनी को लॉस हुआ। कंपनी को लॉस हुआ मतलब इनडायरेक्ट उसके शेयर होल्डर्स, इनडायरेक्ट उसके मेंबर्स को लॉस हुआ। उस डायरेक्टर को पकड़ो और उसको सजा दो, ठीक है, उसको सजा दो। समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट वेल, ठीक है।
देखो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है यार, मेरे को कुछ नहीं बोल रहा। अगर मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोज आएगी, सारी टाइम टू टाइम आएगी। हमें हमारा आज 5th डे है फंक्शनिंग का और हमने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अपलोड कर दिया, हमने डॉट पूरा अपलोड कर दिया और कंपनी लॉबी कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तो लीगल कंप्लीट 10 डेज के अंदर हो जाएगी। 5 डेज हो चुके और आने वाले 5 डेज में लीगल कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन लॉजिकल में मूव करेंगे। लॉजिकल तो छोटा सा सेक्शन है, ठीक है? तो ये अब देखो, अपन पढ़ लेते हैं अपने क्या लिखा हुआ है। लिफ्टिंग पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ओनली कोर्ट कैन ऑर्डर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, इट कैन ओनली बी लिफ्टेड। अब देखो एक और चीज बता देते हैं। देखो ये पर्दे को उठाने को कौन बोलेगी? कोर्ट बोलेगी। पर्दे में छेद करने को कौन बोलेगी? कोर्ट बोलेगी। मान लो इसका एक मेंबर है, रिलायंस कंपनी का, मैंने एक शेयर खरीद रखा है मात्र 100 रुपए का, और मैं बोल रहा हूँ यार ये डायरेक्टर तो है ना चोर है, इस डायरेक्टर ने फ्रॉड करा है, तो है ना ये पर्दा उठाओ। तो कोर्ट क्या बोलेगी? भाई तू मेंबर है, तेरे कहने से नहीं होता, ये तो हमारी मर्जी होगी, तब पर्दा उठेगा। मेंबर के बोलने पे कुछ नहीं होता, किसी और डायरेक्टर के बोलने पे कुछ नहीं होता। कोर्ट ऑर्डर करती है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में, कंपनी और मेंबर के बीच में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है। और इसका भी केस लॉ इंपॉर्टेंट है, प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेट वेल केयर ओनली बी लिफ्टेड बाय कोर्ट, नॉट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी शेयर होल्डर और मेंबर। मेंबर के रिक्वेस्ट करने पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट करने पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट नहीं करेंगे। अगर हमें गड़बड़ी लगेगी तो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे। कॉर्पोरेट शील्ड बोल दो, कर्टेन बोल दो, पर्दा बोल दो, कॉर्पोरेट वेल बोल दो, बैरियर बोल दो, ये कंपनी लीगल एंटिटी है, इसके मेंबर और डायरेक्टर को ये बैरियर अलग करता है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज इन द कंपनी एंड कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये पर्दा इसके बारे में बात करता है, इसको ही वेल बोलते हैं। दिस इज और ये जो पर्दा है इसका पर्पस लेजिटिमेट बिजनेस कंडक्ट करने के लिए होना चाहिए कि आप सही सलाम बिजनेस कंडक्ट करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बट इन सर्टेन केसेस कंपनी इज यूज फॉर इलीगल पर्पस, टैक्स इवेशंस, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, इवेशन ऑफ टैक्स, दोबारा आ गया ठीक है, रॉन्ग एक्टिविटी, द कोर्ट कैन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस कॉर्पोरेट वेल सो एज टू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट द केस एंड टू फाइंड द पर्सन हु इज एंगेज इन रॉन्ग कंडक्ट। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, इसलिए मैं अब इसको मूव ऑन कर रहा हूँ आगे। कॉर्पोरेट वेल किसकी कहने पे उठेगी? कोर्ट के कहने पे उठेगी। उससे क्या होगा? उससे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सा डायरेक्टर, कौन सा मेंबर रिस्पॉन्सिबल है जो कंपनी को लॉस में लेके जा रहा है, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब केस इन विच द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड, ये हमने पहले ही कर लिया कि इलीगल, देखो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होएगी, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी ठीक है। वेयर इट इज फाउंड दैट द सोल पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, टैक्स नहीं देना, टैक्स चुराना, टैक्स से छेड़छाड़ करना, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है उनको अवॉइड करना, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना। देखो टर्मिनोलॉजी है सब, तो मेन कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब क्यों लिफ्ट होएगी? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होएगी तो लिफ्ट कर देंगे ठीक है, इवेजन ऑफ टैक्स हो गए तो लिफ्ट कर देंगे। वेलफेयर लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया है पीपल की, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करके उस डायरेक्टर को पकड़ के, जो डायरेक्टर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहा होगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आपकी कोई पॉलिसी जारी होगी तो हम कॉर्पोरेट वेल को उठा के आपको ढूंढ कर आपको पनिश करेंगे ठीक है। अब कॉर्पोरेट वेल एक दो और, कॉर्पोरेट वेल कैसे उड़ती है? कॉर्पोरेट वेल ऐसे उड़ती है, देख लो भाई। When it is found that company is having, अब देखो कंपनी इज हैविंग एनी बी कैरेक्टर एंड डेट एनी बी कंट्री इंस्ट्रक्शन आर बींग इम्प्लीमेंटेड इन द कंपनी और कंपनी इज अंडर कंट्रोल ऑफ एनी बी। मान लो कोई कंपनी इंडिया में जो किसी और फॉरेन कंट्री, जो हमारी दुश्मन है, दुश्मन बोले तो कोई भी कंट्री, मान लो पाकिस्तान, मान लो कोई भी कंट्री जो इंडिया की दुश्मन हो, अगर वो चीज़ उसके अगेंस्ट, अगर वो चीज़ अगर हमें पता लगता है कि ये कंपनी तो हमारे एनिमी नेशन, एनिमी एनी भी कोई भी हो सकता है, एनिमी नेशन के इशारों पे काम कर रही है, उसने जानबूझ के वो इस कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, तो हम उस कंपनी का कॉर्पोरेट वेल उठा के डायरेक्टर को पकड़कर
इन्वेस्टिगेट कराएगी केस को, ठीक है। वेयर द कंपनी हैज अब्यूज दिस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जहाँ उसने कोई अब्यूज ऑफ पावर करा है, ज्यादा दिमाग मत लगाना इन पे, अब्यूज ऑफ पावर हुआ है वहां हम कॉर्पोरेट वेल उठा देंगे, ठीक है। कॉर्पोरेशन वर्किंग एज अ एजेंसी, किसी की एजेंसी के तौर पे काम कर रखी है, मतलब किसी के गुलाम की जैसे काम कर रही है। कंपनी खुद की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी और के इशारे पर नाच रही है, वो किसी इशारे पर काम कर रही है, तो हम उस केसेस में कॉर्पोरेट वेल को उठाएंगे। अब देखो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, हमने हमने मीनिंग कर लिया फर्स्ट लेक्चर में, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, हमने सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली। हमने कंपनी की नेशनैलिटी सिटीजन नहीं होती पर नेशनैलिटी होती है, प्लस कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट देख लिया, प्लस कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब इसके बाद हम डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी भी देख लेते हैं, भाई डिसएडवांटेज क्या है, फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। चार बेसिक टॉपिक हो गए हमारे कंपनी के, फिर हम टाइप्स ऑफ कंपनी देखेंगे, फिर हम और चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं हम। अब डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी क्या है, ये तो एकदम मतलब रीड करने लायक टॉपिक है, मैंने सब कुछ लिख रखा है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कंपनी को फॉर्मेट करने में, कंपनी को कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, सॉरी, कंपनी को बनाने के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं कि आज मैंने सोचा कंपनी बनाऊं और कंपनी बन गई, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए प्राइस पैसे लगेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें होएगी। तो ये एक कंपनी का लंबा प्रोसेस है, जो कि पैसे भी लगाता है, टाइम भी लगाता है, फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा होती है। फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस, कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑल्सो। रजिस्टर कराने के बाद भी जो उसके कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा होता है, उसको उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, और बहुत टाइम इन्वॉल्विंग प्रोसीजर होता है, और बहुत एक्सपेंसेस वाला प्रोसीजर होता है, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं कॉरपोरेट डिस्क्लोजर। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी किसकी होती है, कंपनी होती है मेंबर्स की और डायरेक्टर्स की। तो मेंबर्स के पैसे इन्वॉल्व है, और डायरेक्ट कौन करता है, डायरेक्टर्स करते हैं। तो कंपनी को हर चीज ट्रांसपेरेंट रखनी होती है, ट्रांसपेरेंट रखनी होती है कि आज हम इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं। वो कंपनी को बहुत सारी चीजें अपने मेंबर्स को बताकर रखनी पड़ती है, टाइम टू टाइम अपडेट करके रखनी पड़ती है, वेबसाइट के थ्रू अपडेट करके रखनी पड़ती है कि देखो आज हम ये काम कर रहे हैं, आज हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, आज हम ये नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो कंपनी को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, उसको बहुत सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है। देर इज अ मैक्सिमम डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, लाइक देयर इन्वेस्टमेंट आइडिया, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज्ड टाइम टू टाइम ऑन देयर वेबसाइट। तो ये डिसएडवांटेज ही तो हुआ, कंपनी बनाने के अंदर कितने डिसएडवांटेज है, इतनी फॉर्मेलिटी लगाओ, उसके बाद हम इतने सारे डिस्क्लोज करते रहो टाइम टू टाइम कि आज हमने इसको सैलरी दी, आज हमने ये करा, आज हमने यहाँ इन्वेस्ट करा, आज हमने वहां इन्वेस्ट करा। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया पहले ही कि भाई ओनरशिप का सेपरेशन हो जाता है, कंपनी में कोई ओनर नहीं रहता, तो इट इज अ सेपरेशन ऑफ कंट्रोल, मतलब कंपनी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कंपनी किसकी है, कंपनी किसी की नहीं है, कंपनी अपनी खुद की है, कंपनी अपने नाम से फंक्शन करती है। तो सेपरेशन ऑफ कंट्रोल, मेंबर्स डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द कंपनी, दे आर ओनली कंसर्न विद देयर मनी, दे डोंट हैव एनी थिंग टू डू इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो एक तरीके से सेपरेशन ऑफ ओनरशिप हो जाती है। अब सुनो, ये एक ग्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो ही कि भाई अगर जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी ना, उतनी ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, वो टाइम टू टाइम डोनेशन क्यों करते हैं, वो डोनेशन उनको करना पड़ता है क्यों, क्योंकि वो इतना कमा रहे हैं। डोनेशन क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ह्यूज मनी इज बींग अर्नड, ह्यूज मनी अर्नड।
वो हम लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। जियो 600 रुपए का 3 महीने का रिचार्ज करके कितने करोड़ों लोगों से कमा रहा है। तो कोविड-19 का टाइम क्या अंबानी को डोनेशन नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या टाटा डोनेशन नहीं देगा? टाटा भी डोनेशन देगा अगर कोई ऐसी चीजें होगी तो। विद ग्रेट कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो पर फिर आपको उसको चैरिटी में दिखाना ही पड़ता है, आपको उससे पब्लिक को प्लीज करना ही पड़ता है कि हाँ हम प्रॉफिट, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, कंपनियों पे टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है। देखो ये सब पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना कि भाई कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है। मॉड्यूल में गिवन है कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अब देखो कंपनी में ज्यादा टैक्स होता है इंडिविजुअल से ज्यादा, मतलब कंपनी के टैक्स सिस्टम जो टैक्स लैब्स होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी बड़ी चीज होती है तो उसके टैक्स भी ज्यादा होते हैं। अब वाइंडिंग अप, यार कंपनी खोलना भी इतना मुश्किल है, कंपनी बंद करना भी इतना मुश्किल है। ऐसा नहीं कर सकते कि दुकान जैसे रोज बंद करते वैसे कंपनी का क्या बोलते हैं हम शटर बंद कर दे, ऐसे करके शटर क्लोज कर दे और कंपनी क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं होता। शटर क्लोज करने से कंपनी क्लोज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका भी डिटेल्ड प्रोसीजर है। कहाँ पर प्रोसीजर है? कहाँ पर प्रोसीजर है? कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर है। कंपनीज एक्ट के अंदर पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि भाई इसको ऐसे वाइंड करना है, इसको असेसमेंट ऐसे कराना है, पहले टैक्स सारे देने हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी सारी देनी है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करनी है। तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है कंपनी के। अच्छी अच्छी बातें तो पढ़ी, डिसएडवांटेज भी हमने पढ़ लिया कि एक्सपेंस होते हैं, कॉरपोरेट डिस्क्लोजर होते हैं, सेपरेट ओनरशिप किसी की नहीं होती, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ती है, टैक्स भी ज़्यादा होता है, और फिर कंपनी बंद करना चाह रहा है तभी भी वाइंडिंग प्रोसीजर ज़्यादा होता है। तो हमने मीनिंग कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, हमने ये नेशनैलिटी ऑफ कंपनी कर ली, कॉरपोरेट वेल कर लिया, डिसएडवांटेज कर लिया। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सअप करना, और देखो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब प्लीज करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। मॉक्स क्विजेस सब अवेलेबल होएंगे, एक बार कोर्स प्रोसीड हो जाए फिर सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हम लोग करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन हो रखी है, पिंग करना, मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की। हमने इससे पहले भी जो वीडियो बने उसमें एक जगह छोटा से पॉइंट में लिखा था कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने? 200। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने? 7। मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड। और 1% कंपनी के लिए मिनिमम कितने? 1 और मैक्सिमम 1। इसमें कुछ याद करने का है? कुछ नहीं है। 1% कंपनी तो खुद ही अपने नाम से बता रहा है कितने होने चाहिए। पब्लिक का मतलब सबकी है, तो मिनिमम 7 याद कर लो, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट है तो कुछ लिमिट तो लगाएगी, तो 2 से लेके 200 कर दी, 7 से लेके इतनी कर दिया अनलिमिटेड। तो ये देखो टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है कि कंपनी बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड होती है कि वो उसका प्रॉफिट होता है या नहीं होता, उसका साइज कितना है। कंपनी साइज पे डिपेंड करती है, कंपनी प्रॉफिट है या नहीं है, कंपनी का मोटिव क्या है, तो उसके बेसिस पे काफी कंपनियां बांट रखी है। काफी बोले तो 7 से लेके 8 तरीके की कंपनियां हैं, कंपनी के टाइप्स हैं। तो उसमें से 3 तो ये है जो साइज के बेसिस पे बांट रखी है एक तरीके से। इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ टाइप्स ऑफ कंपनी में अपन ने 3 कर लिए इतनी सी देर में, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। तो हमने ये कर लिया। अब देखो थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो पहले 1% कंपनियां चालू करेंगे, इट विल बी फॉर्म्ड, अब अभी करते हैं। देखो इट विल बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट कंपनी विद मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर एज 1। ये एक 1% कंपनी है तो वो पब्लिक की तो कंपनी होगी नहीं, क्योंकि वो है एक ही की, फिर भी हम उसको प्राइवेट कंपनी के अंदर मानेंगे। इतनी सी चीज ध्यान रखना, एक जना होता है मिनिमम, मैक्सिमम 1 होता है, और 1% कंपनी किसकी होती है? प्राइवेट कंपनी के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी सबको पता है मिनिमम 2 हो गए, मैक्सिमम कितने हो गए? 200 हो गए। अब सुनना मेरी बात, गवर्नमेंट ने ये जो चीज है ना, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम सॉरी मिनिमम शेयर अप पेयर कैपिटल,
एक प्राइवेट कंपनी के पास कितने शेयर या कितने रुपए के शेयर होने चाहिए? अभी 1 लाख की लिमिट है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास मिनिमम 1 लाख के इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। एक प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम 1 लाख रुपीस के शेयर लोगों को बेचे होने चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए लोगों से इकट्ठा करने चाहिए शेयर्स बेचकर। जो हमने वीडियो वन में पढ़ा था, शेयर्स को बेचकर जो रुपए इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम, अगर किसी को प्राइवेट कंपनी होना है, तो 1 लाख के शेयर तो उसको इन्वेस्ट करवाने पड़ेंगे, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। तो यही क्या लिखा, अभी क्या लिमिट है इसकी, 1 लाख। दिस मीन्स दैट मनी दैट नीड टू बी इन्वेस्टेड इन कंपनी बाय परचेज ऑफ कंपनी शेयर्स। ठीक है, तो 1 लाख के, देखो 1 लाख है ना आपकी मॉड्यूल में गिवन नहीं है, पर ये तो जनरल आ सकता है कि भाई अभी करेंटली कंपनीज एक्ट 2013 से हमारी किसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी होने के लिए कितने मिनिमम शेयर कैपिटल होने चाहिए, 1 लाख होने चाहिए। अब देखो ये थोड़ी प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू शेयर इट्स शेयर। देखो हमने हमने पढ़ा था ट्रांसफरेबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि कोई भी शेयर एक दूसरे को बेच सकता है। ये प्राइवेट कंपनी है, देखो बेच तो इसमें भी सकता है, पर थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पब्लिक कंपनी किसकी होती है, सबकी होती है, तो पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शन आर देयर, किसमें, पब्लिक में। पर प्राइवेट कुछ लोगों की होती है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है शेयर बेचने के लिए। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू शेयर, ट्रांसफर इट शेयर, और मिनिमम शेयर कैपिटल हो गई हमारी 1 लाख की, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। ठीक है, उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, एम्प्लॉयर ऑफ कंपनी। अब सुनना मेरी बात, जो 200 का काउंट है ना, मान लो मेरी प्राइवेट कंपनी है, उसमें मेरे एक तो सर्वेंट हो गया, एक अकाउंटेंट हो गया, तो ये सारे लोग ही हो जाएंगे, तो मैं मेंबर कहाँ से लाऊंगा? और तो ये क्या बोलते हैं, नहीं भाई, जो एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी है या फिर जो पुराने एम्प्लॉयज है, वो 200 की काउंट में नहीं आएंगे। देखो ये चीजें है ना, अपन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन को ये पता होना चाहिए ये जो 7 से लेके 8 कंपनी है ना, इस पे एमसीक्यू बने, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर ले कि इस कंपनी का मोटिव ये कंपनी के मेंबर्स इतने हैं। इतनी सी बात ध्यान रखना, अपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, अपना, दोबारा बोल रहा हूँ, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी, मिनिमम शेयर कैपिटल इतनी, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, और एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी या जो पुराना एम्प्लॉय, वो इस 200 का काउंट नहीं होता। अब इसमें देखो, इनमें बहुत मॉड्यूल में बहुत आलतू फालतू चीजें दे रखी है, अगर इतना डिटेल में हम एक को पढ़ेंगे तो वो तो थ्योरी बेस्ड पेपर में होगा, पर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक, ये इनविटेशन नहीं दे सकती प्राइवेट कंपनी कि आओ मेरे शेयर खरीदो, आओ मेरे शेयर खरीदो, ये प्रोहिबिट करती, क्योंकि ये किसकी, प्राइवेट की कंपनी है। मान लो कुछ लोगों ने कंपनी खोली और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके अपने शेयर बेच दिए, और 1 लाख रुपए के पैसे, 1 लाख है जितने भी, 1 लाख तो मिनिमम है, 10 लाख रुपए ले गए भाग गया, तो ये किसी को इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को कि आओ मेरे शेयर लो, आओ मेरे शेयर लो, ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, प्राइवेट कंपनी हो गया, 1% कंपनी हो गया, 1% किस में आएगी, वो प्राइवेट का, प्राइवेट में हम बोल सकते हैं उसमें कितने लोग होएंगे, उसमें एक ही लोग होएगा। प्राइवेट में कितने होएंगे, 2 होएंगे और 200 होएंगे, और इसके अंदर और क्या चीज़ है, इनविटेशन नहीं दे सकता, मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख की है, और एम्प्लॉय इसका पार्ट नहीं होगे, जो 200 का काउंट है ना उसके अंदर एम्प्लॉय नहीं आएंगे, वरना 5 तो मेरे सर्वेंट हो गए, 2 ड्राइवर हो गए, वो सब एम्प्लॉय तो है कंपनी के अंदर, तो वो लोग इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या होएगा कि मिनिमम शेयर्ड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। देखो इसमें भी होती है मिनिमम शेयर्ड कैपिटल, पर प्रिस्क्राइब कौन करता है, गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम के अंदर, पहला पॉइंट हो गया। इसमें भी मिनिमम शेयर्ड कैपिटल होती है, करेंटली 1 लाख की है, इसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब करती है। अब इसमें देखो, पब्लिक कंपनी सबको पता है, इसमें कुछ भी मॉड्यूल में भी गिवन नहीं है और कुछ भी एक्सप्लेन करने का भी नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स मैंने बता दिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200।
200, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक चीज और समझते हैं इसके अंदर, मॉड्यूल में एक पॉइंट गिवन है अपने, ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, इस पब्लिक कंपनी ने को इसको खरीदना है, इसको एक्वायर करना है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। देखते हैं अभी, ये पब्लिक कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है, इसको इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है, इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है। तो ये इसको, व्हेन पब्लिक कंपनी एक्वायर्स अ प्राइवेट कंपनी, देन प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखो, इसने इसको खरीद लिया, तो ये है तो क्या प्राइवेट कंपनी, पर खरीदा किसने, एक्वायर कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, पब्लिक कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो इसका मतलब ये हुआ, तो अब ये भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इतनी सी बात है, पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को खरीदा, प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट लिखा हुआ है उसके जो रूल बुक है उसमें प्राइवेट लिखा हुआ है, तो हाँ लिखे रहने दो, पर वो क्योंकि पब्लिक कंपनी के अंडर में है, तो उसको अब हम बोलेंगे कि ये भी पब्लिक कंपनी बन गई, एक्स एक्वायर्ड मिनिमम शेयर है ये, तो ये हो गया, तो ये प्राइवेट कंपनी। व्हेन पब्लिक कंपनी एक्वायर्स अ प्राइवेट कंपनी, देन द प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी एंड विल फंक्शन एज पब्लिक कंपनी ओनली, भले ही वाई के जो आर्टिकल्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो बोले कि वो प्राइवेट कंपनी है, पहले तो प्राइवेट थी पर जब एक्वायर हो गया तो वो पब्लिक बन जाएगी। अब पेरेंट और सब्सिडरी का मतलब समझ में आया, पेरेंट कौन हुआ इसमें, एक्स, सब्सिडरी कौन हुई, किसको एक्वायर करा, वाई को, तो पेरेंट कंपनी इज द कंपनी हु एक्वायर्ड अनदर कंपनी हु कंट्रोल्स अनदर कंपनी, सब्सिडरी इज द कंपनी विच इज बींग एक्वायर्ड बाय सम अदर कंपनी एंड विच इज बींग कंट्रोल बाय सम अदर कंपनी। तो ये प्राइवेट और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट भी हो गया, और ये पब्लिक कंपनी का एक पॉइंट हो गया कि अगर पब्लिक प्राइवेट को एक्वायर करेगी तो वो प्राइवेट वाली कंपनी भी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अब पब्लिक कंपनी के अंडर काम कर रही है, उसके 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 साथ काम कर रही है, उसके अंडर काम कर रही है, ठीक है। तो हमने तीन देख लिए, हमने तीन देख लिए, प्राइवेट कंपनी देख लिया हमने, प्राइवेट कंपनी देख लिया, पब्लिक कंपनी देख लिया, 1% कंपनी देख लिया। अभी तो बहुत है, अभी तो ये बहुत है, देखने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, ये तो सारे इजी इजी हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी, देखो तीन देख ली, अब सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का एक ही कॉन्सेप्ट है, नो प्रॉफिट की बनती है। अगर सेक्शन 8 कंपनी आएगा ना, तो देखो एमसीक्यूज में हमने एमसीक्यूज बेस्ड है टेस्ट, नो प्रॉफिट के लिए बनती है, इसका मोटिव प्रॉफिट करना नहीं होता, चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, देखो इसके अंदर काफी कम सेक्शन आए हैं, वरना टॉट कॉन्ट्रैक्ट में, टॉट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेक्शन थे, और इसमें तो अभी तक दो ही आए, एक तो सेक्शन 2 जो हमारा कंपनी एक्ट को बताता है, कंपनी एक्ट को बताता है, और एक हमारा सेक्शन 8 कंपनी जो बोलता है कि ये सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नो प्रॉफिट की कंपनी होती है, चैरिटेबल कंपनी होती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोशल रिलीजियस, जितने तुम्हें आते हैं ना वर्ड सारे चेप देना, थ्योरी बेस्ड नहीं है तो चेप हो गए, कहा रहने दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी, ये वो सब कुछ कर दिया। अब सुनो मेरी बात, इसका मोटिव पैसे कमाने का नहीं है, पर मान लो फिर भी इसकी इनकम जनरेट हुई, चैरिटेबल कंपनी की इनकम तो जनरेट होगी जब लोग उसको चैरिटी देंगे, लोग उसको डोनेशन देंगे, लोग फ्री में उसको पैसे देंगे कंपनी को, तो इनकम तो जनरेट हो रही है। तो ये क्या बोलता है कि वो इनकम जनरेट को उसको इस पे ही लगाना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर पे, रिलीजन पे, चैरिटी पे, एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, प्रमोशन ऑफ दीज थिंग्स। मतलब उसका मोटिव तो है कोई किसी कोई प्रॉफिट नहीं करने का, पर फिर भी इनकम जनरेट तो होएगी, कंपनी है, इनकम जनरेट होएगी तो उसको कहाँ लगाएगी पैसे, उन पैसों को इसमें ही लगाना है। मोटिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस एज इट इज अ कंपनी एंड इट इज द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस
टू हैव प्रॉफिट्स इन द ड्यू कोर्स, देन ही नीड टू इन्वेस्ट दोज प्रॉफिट इन द प्रमोशन ऑफ दीज थिंग्स ओनली। तो हमारी सेक्शन 8 कंपनी हो गई, कोई दिक्कत, 4 कंपनी हमने कर ली है। तो हम अब ये देखते हैं कि दोनों छोटी छोटी सी कंपनी है, हमने सेक्शन 8 कंपनी देख ली, अब गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी देखते। देखो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, वो कंपनी जो गवर्नमेंट के 51% कंट्रोल में, उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। कितना इजी है, एनी कंपनी विच इज इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वेदर ऑफ सेंटर और वेदर ऑफ स्टेट और वेदर ऑफ मिक्स, एंड हु हैज 51 स्टेक इन दैट कंपनी, 51% शेयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट कंपनी, देन दैट कंपनी विल बी नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये दोनों बोथ कि भाई 20 स्टेट ओन कर रही है, 20 सेंटर ओन कर रही है, तो 40 ही हुआ, सॉरी 25 स्टेट ओन कर रही है और 35 सेंटर कर रही है, 51 से ज़्यादा, 51 लिमिट नहीं है, 51% से ज़्यादा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में ओन करती है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। फिर फॉरेन कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी क्या हो गई, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो हर फॉरेन कंपनी क्या होता है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, जो बाहर रजिस्टर्ड है उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी, प्लस जो कंडक्ट करती है बिजनेस इंडिया में, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। फॉरेन कंपनी वो नहीं कि सारी जो बाहर रजिस्टर्ड है वो फॉरेन हो गई, अरे भाई रजिस्टर्ड तो बाहर है ठीक है, पर क्या वो इंडिया में फंक्शनिंग करती भी है, नहीं करती, अमेरिका में रजिस्टर्ड है और अमेरिका में ही फंक्शनिंग करती है, तो वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कौन बोल रहा है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, तो अब फॉरेन कंपनी की बात हो गई, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंडक्ट्स, ये एंड है, एंड कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया, दिस इज नोन एज फॉरेन कंपनी, नॉट एवरी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया इज फॉरेन। तो ये हमने आपको समझा दिया। तो हमने कौन कौन सी कर ली, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, और फोर्थ वाली हमने कौन सी करी थी अभी, सेक्शन 8 कंपनी, फिर हमने कौन सी करी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये हो गए हमारे कंपनी। अब इसके बाद एक दो कंपनी और है, उनको भी देख लेते हैं, एसोसिएट कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। देखो मेरी बात, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पहले अपन ये करते हैं, एसोसिएट को एक बार छोड़ते हैं, होल्डिंग और सब्सिडियरी करते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया, ए अब ए एक्वायर्ड बी, ए ने किसको एक्वायर करा, बी को, तो ए कौन बन जाएगी, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी बन जाएगी, या फिर होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, या फिर होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और ये क्या रह जाएगी, ये इसकी सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी रह जाएगी, क्योंकि अब ये किसके अंडर में है, ये इसके अंडर में है, तो पेरेंट कंपनी और होल्डिंग कंपनी कौन हुई ये, तो अब देखना, ए रिक्वायर्ड बी, दैट इज गेट 51% ऑफ वोटिंग पावर, ए इज द होल्डिंग कंपनी एंड बी इज द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो इसमें भी यही है, अगर इसको इसको ओन करना है, अगर ए को बी को ओन करना है, देखो किसी भी ओन करने के लिए मेजोरिटी जरूरत है, मेजोरिटी किस में होनी चाहिए, वोटिंग पावर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उसमें अगर 51% इस कंपनी का कंट्रोल है तो ए होल्डिंग कंपनी होएगी और बी सब्सिडरी कंपनी होएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 51% मेजोरिटी होता है। हमने इससे पहले अगर किसी में गवर्नमेंट का स्टेक 51% है तो गवर्नमेंट कंपनी होएगी, और अगर ए ने बी को ओन कर लिया, ए ने बी को ओन करा, इसका मतलब, ओन का मतलब क्या हुआ, ए ने बी के 51% शेयर खरीद लिए, ए ने बी के 51% तक जो उसके डायरेक्टर्स है उनको खरीद लिया, तो ए हो जाएगी अपनी होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी और बी हो जाएगी हमारी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी क्या हो गई, ए होल्डिंग, बी सब्सिडरी और प्लस 51% वोटिंग पावर। ठीक है, इफ ए वांट्स टू ब्रिंग बी अंडर हिज कंट्रोल देन ही नीड्स टू कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अगर ए को, ए कंपनी को बी को कंट्रोल में लाना है तो उसका दिमाग रीड करना पड़ेगा और उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और फंक्शनिंग किसके कंट्रोल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में, तो किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके मेजॉरिटी के 51% के डिसीजन मेकिंग को
कंपनी के डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल में करने के बाद ये कंपनी भी इसके अंडर हो जाएगी। कंपनी की डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डायरेक्टर करते हैं। उनको कंट्रोल में लिया हो, ये कंपनी तुम्हारी हो जाएगी, ये कंपनी तुम्हारे अंडर फंक्शनिंग हो जाएगी, तुम इसके होल्डिंग कंपनी हो गए और हम तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी हो गए। अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की। देखो, एसोसिएट का मतलब होल्ड नहीं होता, इन्फ्लुएंस होता है। मेरी बात सुनना, इन्फ्लुएंस और होल्ड में काफी फर्क है। इन्फ्लुएंस करना एक तो होता है कंप्लीट सीज ऑफ पावर, मतलब होल्ड करना, सारी चीजें होगी, और एक होता है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस बोले तो उसकी थोड़ी डिसीजन मेकिंग में पार्ट करना, एटलीस्ट 21% ऑफ टोटल वोटिंग पावर डायरेक्टर्स, 21% उसके जो डायरेक्टर्स हैं, मतलब अगर 10 डायरेक्टर है तो 2 से लेकर 3 डायरेक्टर की पावर इस कंपनी के पास होनी चाहिए, उस कंपनी के अंदर किसी और कंपनी के डायरेक्टर्स होने चाहिए 21% वोटिंग पावर से, एटलीस्ट 21% वोटिंग पावर के साथ, ठीक है? तो एसोसिएट कंपनी का मतलब होल्ड करना नहीं होता, इसका मतलब इन्फ्लुएंस करना है। देखो ये कीवर्ड्स है एमसीक्यू में, यही आने वाले हैं, इन्फ्लुएंस और 21% इज एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग 51%, सब्सिडरी 51%, होल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपनी। और ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है? ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। सबसे पहले पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है? जिसके मिनिमम शेयर कैपिटल 1 लाख होने चाहिए और उसके मेंबर्स इतने, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। फिर हमने बात करें पब्लिक, सॉरी प्राइवेट कंपनी की बात कर ली, पब्लिक कंपनी का ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, मिनिमम मैक्सिमम समझ लिए, ठीक है? इसको बनाने के लिए 51% जरूरी है, इसको पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने के लिए मैक्सिमम शेयर खरीदेगा, मैक्सिमम शेयर मतलब 50 से ज्यादा के शेयर खरीदेगा। 1% कंपनी समझ में आ गया, सेक्शन 8 कंपनी समझ में आ गया, गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया जिसमें गवर्नमेंट के 51% स्टेक हो, सेक्शन 8 कंपनी जिसमें कोई प्रॉफिट ना होता हो, और फॉरेन कंपनी समझ में आ गया जिसके अंदर फॉरेन में वो रजिस्टर्ड हो और इंडिया में बिजनेस कर रही हो। इसके बाद एसोसिएट कंपनी आ गया जिसमें हमारा इन्फ्लुएंस हो, एक कंपनी का दूसरे कंपनी पर 21% वोटिंग पावर का इन्फ्लुएंस है, और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी समझ में आ गया जिसमें एक कंपनी का दूसरे कंपनी पे 51% तक इन्फ्लुएंस है, 51% उसके डायरेक्टर इसके कंट्रोल में है, किसी भी तरीके से कंट्रोल में है, तो उसे सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी कहते हैं, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं। देखो मॉड्यूल में सब्सिडरी कंपनी पे 2-3 कॉन्सेप्ट और दे रखे हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब एक कॉन्सेप्ट दे रखा है हमारा मॉड्यूल के अंदर, क्या दे रखा है? ये वाला, कि ये वाला देखते हैं पहले। एक होल्डिंग कंपनी है, उसके अंदर कितनी, मैं कितनी कंपनियों को होल्ड कर सकता हूँ, कोई लिमिट होती है? लिमिट होती है, अभी बताएगी। देखो ये जो कंपनी है मेन कंपनी, इसकी कंपनी 1 हो गई, ये कंपनी, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी 1 हो गई, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी 2 हो गई, ठीक है? इस कंपनी का इसमें 51% से ज़्यादा स्टेक है, इस कंपनी का इसमें भी 51% से ज़्यादा स्टेक है, बहुत बड़ी कंपनी, गूगल एप्पल मान लो, इसने इस कंपनी को भी खरीद रखा है एक तरीके से, इसकी फंक्शनिंग पे कंट्रोल करता है और इसने इस कंपनी की भी फंक्शनिंग पे कंट्रोल करता है। अब इनको है ना ये कंपनी पसंद आ गई। देखो ये तुम मान लो ये फेसबुक है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीद रखा है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद रखा है, फेसबुक को ये चीज़ भी पसंद आ गई। अब ये चीज़ भी पसंद आ गई तो अब सुनो, या तो वो इसको खरीद लेगा, या फिर ऐसा भी होता है कि जो ये सब्सिडरी कंपनी 1 है ना, इसको भी ये चीज पसंद आ गई तो इसने इसको खरीद लिया, ठीक है? अब देखना, बी वॉन्ट टू बी 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 वॉन्ट टू एक्वायर सी, बट बिफोर एक्स एक्वायर सी, एक्स ने सी को, एक्स कंपनी तो अभी भी है, एक्स ने सी को एक्वायर कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे थे, उसने इसके 51% शेयर कर लिए, एक्वायर कर लिया। तो अब चार्ट क्या बन गया? अब हमारा चार्ट ये बन गया। तो पता है कंपनी चार्ट क्या बोलता है? देखो भाई एक्स ने सी को एक्वायर करा, अच्छी बात है, एक्स खुद किसके अंडर काम करती है? बी के अंडर काम करती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते बी ने सी को एक्वायर करा? बताओ कोई दिक्कत, दिक्कत हो डीएम करना एक और बार, ठीक है?
इसकी दो कंपनी है, इसको ये कंपनी पसंद आ गई, पर इसने क्या करा पहले इस कंपनी को खरीद लिया, तो चार्ट बन गया ये। तो सी को कौन ओन, किसने खरीदा, एक्स ने, पर एक्स किसके अंडर वर्क करती है, बी के। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते बी ने सी को खरीदा, बी भी सी की सब्सिडरी कंपनी बन गई। नाउ नाउ सी विल बी कंसिडर्ड अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ बी ऑल्सो इफ बाय एनी मीन देयर कम्स द, ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सुनो, एक लिमिट होती है, जो लेयर होता है ना, लेयर, सब्सिडरी कंपनी में एक वर्ड दे रखा है लेयर, लेयर का मतलब होता है एक कंपनी के पास कितनी सब्सिडरी कंपनी है, उसकी कोई लिमिट होती है, वो लिमिट अभी हमें नहीं पता क्या होती है, पर ये लिमिट ऐसे तो गूगल, एप्पल, अमेजन सारी कंपनीज को खरीद ले, सारे वर्ल्ड की सारी कंपनीज को खरीद ले, हमारा रिलायंस अंबानी इंडिया की सारी कंपनी को खरीद ले, पर नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक लेयर होती है। एक होल्डिंग कंपनी, अ होल्डिंग अ पेरेंट कंपनी कैन हैव लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, लिमिटेड ही हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, हमें नहीं पता, पर एक लिमिट सेट करती है गवर्नमेंट। और लेयर का मतलब होता है कि एक होल्डिंग एक बड़ी कंपनी के पास कितनी छोटी कंपनी को ओन करता है उसे कहते हैं लेयर, एक बड़ी कंपनी कितने छोटी कंपनी को ओन करती है उसे कहते हैं हम लेयर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, इस छोटे छोटे सब्सिडरी के अंदर है ना सब टॉपिक्स करके दे रखे, तो इनको अपन को सिचुएशन समझना है, इस पे क्या एमसीक्यू बन जाएगा, लेयर क्या होता है ये बनेगा, इस पे ट्रू फॉल्स का बन सकता है, और ये वाला अपन पढ़ लेते हैं। अब ये बोलता है कि किसी भी लीगल तरीके से अगर एक कंपनी के पास दूसरे कंपनी के किसी भी मीन से डायरेक्टर अगर कंट्रोल में आ जाए, वीडियो पॉज हो गई थी, किसी भी मीन से अगर इसके डायरेक्टर कंट्रोल में आ जाए, किसी एक कंपनी के पास दूसरे कंपनी की डायरेक्टर्स को रिमूव करने की कोई पावर आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सांप डांट दंड भेंट, कहीं से भी बाय एनी मीन बट लीगल मीन, इफ बाय एनी मीन देयर कम्स द पावर इन द हैंड ऑफ कंपनी टू रिमूव चेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, देन अदर कंपनी विल ऑटोमेटिकली कॉल सब्सिडरी कंपनी, एक कंपनी को डायरेक्टिव बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर करते हैं, अगर तुम्हारे पास उसका 51% वोटिंग वो आ जाए तो तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, अगर तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया तो वो तुम्हारी भी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, अगर तुम्हारे पास उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करने की स्ट्रेंथ आ गई तो वो तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अब एक और कंपनी की बात करते हैं हम, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में क्या होता है कि जो ये इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज होती है ना, कि मिनिमम, अभी जो हमने बात करी पेड अप शेयर कैपिटल की, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने का आना चाहिए, तो वो मिनिमम कितना है, 50 लाख का, करंट प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, अभी कितने का है, 50 लाख का अगर मिनिमम तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट तुम शेयर से ला सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल, ये क्या चीज है, मिनिमम नहीं है सॉरी, ये मैक्सिमम है, करंट जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो कितना, इतना, और गवर्नमेंट कितना तक प्रिस्क्राइब कर सकती है, 10 करोड़, 10 करोड़ तक गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, ये मैक्सिमम, ये लिमिट हो गई एक तरीके से। अभी की करंट लिमिट क्या है, 50 लाख, गवर्नमेंट कहाँ तक कर सकती है, 10 करोड़ तक कर सकती है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए स्मॉल कंपनी का, 2 करोड़ का होना चाहिए, अभी की लिमिट कितनी है, 2 करोड़, गवर्नमेंट कितने तक कर सकती है, गवर्नमेंट इसकी 100 करोड़ तक कर सकती है, ठीक है। स्मॉल कंपनी में यही चीज ध्यान रखना, पेड अप शेयर कैपिटल कितने का होना चाहिए, 50 लाख का, गवर्नमेंट कितने का तक का मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कर सकती है, 10 करोड़ का, टर्नओवर कितने का होना चाहिए, 2 करोड़ का, गवर्नमेंट कितनी इस लिमिट को बढ़ा सकती है, 100 करोड़ की। ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी बॉडी स्टैब्लिश एनी एक्ट, बकवास चीजें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो पढ़ लो, कहीं पर भी नहीं आने वाला। स्मॉल कंपनी का ये जो प्रॉफिट और इसका क्राइटेरिया, ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, जो प्रॉफिट वाली, जो नो प्रॉफिट वाली कंपनी है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, होल्डिंग कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की इतनी सारी कंपनी होती है, 2 करोड़ 50 लाख तो ऐसे ही हो जाएगा, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है, और किसी एक्ट के द्वारा अगर कोई कंपनी बनी है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल कंपनी में क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, मार्क कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन कर लेना आराम से, सारे हो जाएंगे। डोरमेंट कंपनी इन एक्टिव कंपनी, जो डोरमेंट होती है ना उसका मतलब इनएक्टिव होता है, ये एक इनएक्टिव कंपनी है, जिस कंपनी ने अपने, देखो ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा इस पे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। डोरमेंट कंपनी का वो मीनिंग पूछ लेगा, या फिर डोरमेंट कंपनी का ट्रांजेक्शन कितने साल तक बंद होना चाहिए तब वो कंपनी डोरमेंट होएगी, ये पूछ लेगा कि नो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन शुड बी देयर, एंड उसने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो टैक्स की स्टेटमेंट्स होती है, जो इनकम टैक्स हो रहे हर साल
पेरेंट्स फाइल करते हैं, वो अगर 2 साल तक उस कंपनी ने फाइल नहीं करी तो जो जो अपना कंपनी एक्ट है वो उसको डोरमेंट कंपनी मान लेगा, हमारा कंपनी एक्ट उसको डोरमेंट कंपनी कंसिडर करेगा। ठीक है, हमने सेक्शन 8 कंपनी कर ली, गवर्नमेंट कंपनी कर ली, फॉरेन कंपनी कर ली, एसोसिएट कंपनी कर ली, होल्डिंग कंपनी कर ली, सब्सिडरी कंपनी कर ली, हमने सब्सिडरी कंपनी के 2-3 वो देख ली है, स्मॉल कंपनी देख ली, डोरमेंट कंपनी के अंदर 2 साल तक अगर उसकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई हो तो उसको क्या मान लेगी गवर्नमेंट, एक डोरमेंट कंपनी मान लेगी, एक गवर्नमेंट उसको डोरमेंट कंपनी मान लेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम दो और कंपनी की बात करेंगे, फिर इस वीडियो को करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा वरना। तो जो कंपनीज एक्ट के अंदर हमें कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है ना, उसके अंदर रजिस्टर उसका कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनियों की लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, अब देखो ये भी मॉड्यूल में गिवन है, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम डोरमेंट कंपनी के डायरेक्टर 3 होने चाहिए, 3-2-1, 3-2-1 खत्म, पब्लिक प्राइवेट 1% कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर डोरमेंट कंपनी के अंदर 3-2-1 होने चाहिए, 3-2-1, 3-2-1। ठीक है, ये हो गया। अब एक निधि कंपनी होती है, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये और कर लेते हैं, फिर इसको रैप अप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसके शायद एक पार्ट और होगा, एक के बाद हो सकता है आधा पार्ट और आ जाए, आधा पार्ट बोले तो आधे घंटे का और आ जाए, फिर कंपनी लॉ खत्म है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसमें डिटेल्स थी ज़्यादा। ठीक है, लॉ के अंदर आर्टिकल्स होते हैं, इसमें डिटेल्स ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट समझाना भी होता है। ठीक है, निधि कंपनी, निधि कंपनी होती है, टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड लेंड मनी टू इट्स मेंबर, मतलब ये निधि कंपनी है, ये अपने मेंबर से डिपॉजिट लेगी, अपने अपने ओनली मेंबर से डिपॉजिट लेगी और उनको जरूरत पड़ने पर लोन देगी या उनको पैसे देगी, अपने मेंबर से लेगी और अपने मेंबर को देगी, अपने मेंबर से लेगी और अपने मेंबर को देगी, टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड देन लेंड मनी टू इट्स ओन मेंबर। ओन मेंबर ध्यान रखना, इस पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन, इस ओनली वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा, क्या निधि कंपनी किसी और मेंबर को भी डोनेशन दे सकती है या मनी दे सकती है, नहीं दे सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में, देखो 2-3 बार आया हमारे सेक्शन, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन और प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर अब ये आ रहा है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मॉड्यूल में मेंशन है और इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। सेक्शन 481 ऑफ कंपनीज एक्ट, अभी हम हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, पुराना वाला कंपनी एक्ट पे चले गया, वो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में बात करता है। अब ये कोई खास नहीं है, प्रोड्यूसर कंपनी वो होती है कि जो, देखो, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स फॉर द बेनिफिट, मतलब जो जैसे फार्मर्स है, फार्मर्स के लिए कोई कंपनी बनी कि जो फार्मर्स के गुड्स को खरीदेगी और फिर मार्केट में बेचेगी और फार्मर्स को प्रॉफिट देगी, तो एक तरीके से उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। वो क्या करती है, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेलिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स फॉर देयर बेनिफिट, मतलब फार्मर्स से वो सारी चीज़ें खरीदती है, लेती है, फिर उनको आगे सेल करती है, किसके बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। प्रोड्यूस आर द थिंग्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड और ग्रोन स्पेशली बाय फार्मिंग, देयरफॉर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइमरीली डील्स विद एग्रीकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, मतलब फसल उगने के बाद जो उसकी एक्टिविटीज होती है, जैसे उसको बेचना, कमीशन देना, काटना, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से प्रोड्यूसर कंपनी डील करती है। लास्ट हमारा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसके बाद वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी इसलिए एंड करना पड़ेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक में फर्क होता है, देखो इसके वर्ड में ही लिखा है ये नॉन बैंकिंग है, मतलब ये बैंक तो है नहीं, तो ये है क्या चीज, देखो मैं बताऊं नॉन बैंकिंग और बैंकिंग में इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि इसमें रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एन स्कीम विच कैन ओनली बी विड्रॉन आफ्टर, देखो बैंक के अंदर तो हम कभी भी बैंक को, हम बैंक के अंदर हमने अपनी सेविंग्स दी तो हम बैंक के अंदर कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, वी कैन विड्रॉ एनी टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, जो इस स्कीम के अंदर हमने इसके अंदर पैसा रखा है कि हम 5 साल के लिए आपको पैसा देते हैं
उस स्कीम के खत्म होने के बाद ही हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, वरना हम पे पेनल्टी लगेगी। रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एन स्कीम विच कैन ओनली बी विड्रॉन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड और इफ बिफोर देन पेनल्टी इज इम्पोज। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पैसे कभी भी विड्रॉ करने का कोई सिस्टम नहीं होता। उसके अंदर हम स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो स्कीम से पहले हम पैसे लेते हैं तो हमें कितने पेनल्टी देनी होती है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं। देखो, ये बैंक का और इसका काम क्या होता है, बैंक का या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये लोगों से पैसे लेती है, उनको इंटरेस्ट देती है उनके पैसों पे, और फिर लोगों को पैसे देती है, उनसे रिसीव इंटरेस्ट करती है। हम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, हमें बैंक थोड़ा इंटरेस्ट देता है, फिर वो वही पैसे से बैंक लोगों को लोन देता है और उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो ये सारा बैंकिंग बैंकिंग का सिस्टम ही ये है। ठीक है, पर इनमें डिफरेंस क्या हो गया, बैंक के अंदर हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, एनबीएफसी में हम कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। एनबीएफसी में चेक का कोई सिस्टम नहीं है, बैंक के अंदर चेक का कोई सिस्टम है। ठीक है, और बैंक के अंदर क्या होता है, अगर बैंक डूब जाए तो हमें 5 लाख तक की सिक्योरिटी गवर्नमेंट देती है, 5 लाख तक के रुपए सिक्योर्ड हो गया अगर कोई बैंक बंद हो जाए। एनबीएफसी अगर डूब गया तो क्या होगा, कोई सिक्योरिटी मिलेगी, कोई फैसिलिटी नहीं है एनबीएफसी में। तो हमने बेसिकली एनबीएफसी और बैंक का मतलब समझा। अभी तक हमने क्या करा, मीनिंग कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने एडवांटेज देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंडियन कंपनी लॉ की जर्नी करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे पार्टनरशिप, और इसमें फिर हम एक और टॉपिक बचेगा। तब तक के लिए देखो सब्सक्राइब जरूर करना और ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे, इसकी चिंता मत करना। 10 डेज के अंदर हमारी लीगल कंप्लीट हो जाएगी, आज हमारा 5th डे है और हमारा मोस्टली कोर्स लीगल का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।